राम के पिता का नाम राजा दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु, जिसको रामायण में लिखा है रघु कुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और रहीम को न बाप है न माँ है, है ना? और राम की बीवी का नाम सीता, उसके बेटे का नाम लवकुश है ना? है? और रहीम को न बाप है न माँ है, न बेटा है न बेटी, फर्क यही है। राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, सिर्फ हाथी का खरीदा नहीं है, वो मुसलमानों का भी है, वो बरसाई का भी है, यहूदी का नसरानी का भी है, सही बात। और पुरुषोत्तम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम, सही बात। जहाँ पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उनके कट्टरपंथी धर्म कुरान के पीछे पड़ी है, उनका एक से ज्यादा शादी करना, औरतों की जिंदगी को बर्बाद कर देना, उनको तलाक दे देना, जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और तीन बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना। ये सारी दुनिया इस्लाम की इस सोच को लेकर परेशान है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. I like that. इतनी इतना परेशान हो गया कि उसने सारे मस्जिद को तोड़ दिया, मस्जिद बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी बोल डाला कि अगर नमाज पढ़ना है तो यहाँ की लोकल भाषा में पढ़ना होगा ताकि हमें समझ में आए कि तुम नमाज में क्या बोलते हो। और ऐसे ही जापान ने भी इस्लाम धर्म से परेशान होकर सारे मस्जिद को तोड़ दिए, मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर जेल में डालने लगे, बुर्का पहनने पर शक्त नियम को लागू कर दिया, जो नियम पालन नहीं करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मुसलमानों को भिखारी तक बोल डाला। दोस्तों प्यारे, मैं मंगने वाला नहीं है, दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं जिन्हें चंदा देने, उठ के मत आओ, मैं तेरे को आ पावांगा जाके विच, अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, जेड़ा मेनु 100 रुपया देगा उन्हें कतर गुना बिनेंगे। आई लव यू जी, मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो, तो मंगा नहीं जा रहा हूँ। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा नियम को भंग करने वाला मुसलमान ही है, और पाकिस्तानी मुसलमानों को सऊदी अरब के लोगों ने मुसलमान माना ही नहीं। इराक में बुर्का को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, इराकी महिलाओं ने बुर्का से परेशान होकर बुर्का को जलाने का प्रदर्शन भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई जगहों पर कुरान को जलाया गया, लोगों ने प्रदर्शन किया। भारत के अंदर तो इस्लाम से परेशान होकर मुसलमानों ने अपने धर्म को छोड़कर सनातन को अपना लिया। तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो, तो जब तुम ये ज़ारती हमारे साथ में कर रहे हो, तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी, आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। सर, जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। वो कहते हैं कि इस्लाम एक कट्टरवादी धर्म है, ये हमें मार काट करना सिखाता है, और सनातन हमें प्रेम और भाईचारा सिखाता है, इसीलिए हम अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हिंदू भाई आपस में एक मोहब्बत एक व्यवहार देना, और जो मुसलमान में ये नहीं है उनमें कट्टरता है, आतंकवादीपन है, और हिंदू भाई को सनातन धर्म भाई को काफिर कहना और गलत कहना ये सब उसमें गलत है, इस वजह से हम सनातन धर्म अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आए। लेकिन दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई, हमारे इस्लाम में कहा गया कि हमें भाईचारा करना, हिंदू हमेशा मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू माचार रहेंगे। जी मैं आता हूँ पाकिस्तान सिंध से, हमारे पूर्वज वहाँ से थे, आज वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जब जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में, 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में और उस लड़की को 13 साल की हो गई जाओ उसको पाक करके आओ, और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे एक एक करके जाओ, ये हाल है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों इसी बीच
पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसने मुसलमानों को हिला के रख दिया। जी हाँ, जहाँ मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बन चुके हैं। एक कट्टर मुसलमानों का देश, जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, उनकी लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन आज इस्लाम ही इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान में। जी हाँ, इन दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है। मुस्लिम लोग मिलकर मुस्लिम के धर्म स्थल अर्थात मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरी खबर और क्या कारण है कि मुस्लिम लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं? आंखों को विश्वास तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये घटना बिल्कुल सत्य है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। इसके बावजूद हमारे पड़ोसी देश में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है। बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान के कराची शहर में एक मस्जिद की मीनारों को सरेआम तोड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले लोग तहरीक लैबक पाकिस्तान के सदस्य हैं, और जिस मस्जिद के मीनारों को तोड़ा जा रहा है वो एक अहमदी मस्जिद है। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है और पाकिस्तान में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहुत से अहमदिया मुसलमानों को इस निंदा के झूठे आरोपों में मौत की सजा भी दी जा चुकी है। पाकिस्तान का धार्मिक संगठन तहरीक ए लैबक पाकिस्तान खास तौर पर अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ मुखर रहता है। बीते साल अक्टूबर में तहरीक लैबक पाकिस्तान के एक मौलवी के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अपने बयान में मौलवी ने अहमदिया समुदाय की गर्भवती महिलाओं पर हमला करने का निर्देश दिया था। मौलवी ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि कोई अहमदिया मुसलमान पैदा ही न हो सके। तहरीक लैबक पाकिस्तान के मौलवी मोहम्मद नयम चट्टा का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट पहने अज्ञात हमलावरों ने कराची के सदर में अहमदी मस्जिद को निशाना बनाया। उन्हें एक वीडियो में इस मस्जिद की मीनारों को तोड़ते और उसके बाद भागते देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और हमलावरों के संबंध में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की कट्टर इस्लामिक राजनीतिक पार्टी तहरीके लैबक पाकिस्तान से जुड़े थे। दोस्तों ये बड़े दुख की बात है कि मुसलमान अपने धर्म के लोगों को ही दुश्मन समझकर मार रहा है, उनके मस्जिदों को तोड़ रहा है। जिनेवा डेली की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40 लाख लोगों वाला पाकिस्तानी अहमदिया समुदाय यहाँ के स्वघोषित इस्लामी नेताओं द्वारा व्यापक यातना धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ कई संस्थानों और आम जनता द्वारा भेदभाव किए जाने की घटनाएं भी सामने आते रहती हैं। अगर अतीत पर नजर डालें तो पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिम समुदाय ने 1974 के बाद से लगातार भेदभाव, उत्पीड़न और हमलों का सामना किया है। कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के मुसलमान अहमदिया मुसलमान को मुसलमान मानते ही नहीं। एक तरफ तो ये लोग धर्म परिवर्तन करा के लोगों को इस्लाम कबूल कराते हैं और दूसरी तरफ जो मुस्लिम हैं उन्हें ही मुस्लिम नहीं मान रहे हैं और उन्हें प्रार्थना करने से रोकते हैं, उनके मस्जिदों को तोड़ते हैं। अरे कब रोकोगे ये अत्याचार, कब तक करोगे अत्याचार? तुम्हारा विनाश बहुत करीब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।